अस्सलाम व्यूअर्स, साइमा हियर। हाउ आर यू? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, एज यू नो के शादी का फंक्शन चल रहा है, मेहंदी तक के मोमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, अब है बारात का दिन। तो व्यूअर्स, आप जानते होंगे कि बारात के दिन तो बहुत सारी रस्में होती हैं और यहाँ भी हुई, रास्ता रुकाई, दूध पिलाई, लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती सारी के सारे, बस थोड़ी झलक आप देख पाएंगे, लेकिन मोस्टली मोमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड होने से रह गए। वो इसलिए कि आप जानते ही हैं कि शादी मेरे करीब की थी, मेरे भाई की शादी थी, इसलिए अगर मैं रिकॉर्डिंग में लगी रहती तो पार्टिसिपेट कैसे करती। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हॉल का ओवरऑल लुक जो मुझे बहुत डिसेंट लगा, गोल्डन वाइट एंड रेड का थोड़ा थोड़ा टच, इट लुक्स वेरी नाइस। तो जी, हम दुल्हन को लेके घर आ गए हैं। ये देखें घर की लाइटिंग एंड वेलकम व्यू, एक रोज पेटल्स के साथ
हार्ट बना के उनके नाम के फर्स्ट लेटर्स लिखे गए और फिर उसके अलावा फूल फेंके गए और अच्छा सा वेलकम दिया गया उनको। ये रहा उनके रूम डिकोर का एक व्यू। जी व्यूअर्स, तो रस्में अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। दुल्हन जब घर आती है इसके बाद नए घर में नए सफ़र का आगाज कुरान पाक के साथ कराया जाता है। इसके बाद ये रस्म जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है। दूध के अंदर रिंग छुपाई जाती है, दूल्हा दुल्हन में से जो पहले तलाश कर लेता है वो जीत जाता है और वो सारी ज़िंदगी उसी का ही हुक्म चलता है। ये तो जस्ट एक रस्म है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर हों तो गाड़ी अच्छे से चलती है और सफ़र जो है खुशगवार होता है। वी विश देम अ हैप्पी मैरिड लाइफ।